हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये ग्लोई सा मेकअप लुक। और खासतौर से आज का मेकअप लुक है ड्राई स्किन वालों के लिए, कि ड्राई स्किन वाले विंटर में कैसे मेकअप कर सकते हैं, तो उन्हीं के लिए आज की वीडियो है। और गाइज, प्लीज़ वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, हेल्दी टिप्स, मेकअप लुक्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर किए हुए हैं, प्रोडक्ट्स रिव्यू शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। सो गाइस, आज के मेकअप लुक की खास बात यह है कि मैं आज अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी ये का हर्बल गोल्डन ग्लो स्किन ऑयल की हेल्प से। मैं आज यहाँ पर कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगा रही हूँ, मैं इस गोल्डन ग्लो स्किन ऑयल को अपने फेस पर लगाने जा रही हूँ। इसका रिव्यू बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने एक से दो ड्रॉप बस अपने फेस पर लगा लिया है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप इसकी 2 से 4 बूंद भी लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। और मैंने इसे 1 से 2 ड्रॉप अपने पूरे फेस पर लगा लिया है, अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है इस ऑयल की हेल्प से। बहुत अच्छा ऑयल है, मैं काफ़ी दिनों से इसे ट्राई कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं ये लगा रही हूँ यहाँ पर Maybelline फिटमे फाउंडेशन, और ये है स्विस ब्यूटी की पर्ल इल्यूमिनेटर। इन दोनों को मिक्स कर मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं, ताकि मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखे और अच्छा भी दिखे। तो ये देखिए, मैंने पूरे फेस पर इसे लगा लिया है। और अब मैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ गाइज, मैंने अपनी आईज़ पर कोई भी कंसीलर वगैरह नहीं अप्लाई किया है, मैं इसे ऐसा कंसीलर भी लगा लूँगी। और काफ़ी अच्छा है ये, आप देख सकते हैं, इससे मेरे डार्क स्पॉट वगैरह भी हाइड हो गए हैं। जो भी लिटिल बिट डार्क स्पॉट और डार्क सर्कल्स थे उसने वो भी हाइड कर दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी इल्यूमिनेटर बेस है ये, और इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैक्मे लूज़ पाउडर। आप चाहें तो किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं, मैं इसे लूज़ पाउडर की हेल्प से थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी विंटर्स हैं। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़्यादा ना लगाएं। लिटिल बिट मैं इसे सेट करने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है कि आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए अपनी कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम हो या फाउंडेशन हो, तो इस तरीके से आप उसे सेट कर लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये प्रोडक्ट है स्विस ब्यूटी की आईब्रो एंड जेल आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं पहले अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी। और इसका रिव्यू भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। और उसके लिए प्लीज़ गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, मैंने अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये है शिवाना शिवन ब्रिक्स हाइलाइटर है, और इसकी हेल्प से मैं ये पिंक कलर का जो शेड है अपनी आईज़ पर लगा लूँगी एज आई शेडो, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और मैं फिंगर की हेल्प से भी इसे थोड़ा सा अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Maybelline का मस्कारा। और मैं आज यहाँ पर कोई भी आईलाइनर वगैरह नहीं लगा रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा मैंने मेकअप लुक दिखाया है, जो कि डेली में भी आप इस लुक को इजीली कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो आप इस लुक को आराम से कर सकते हैं और बहुत जल्दी भी हो जाता है ये मेकअप लुक। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की ये लिक्विड लिपस्टिक, और मैं यहाँ पर ब्राइट ऑरेंज कलर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आईज़ का मेकअप बहुत ही सिंपल सा रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्राइट शेड लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी शेड चूज़ कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Maybelline का काजल, क्योंकि मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है और काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डेली में मैं काजल लगा लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं इसलिए Maybelline की काजल लगा रही हूँ। और अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, मैंने ब्लश नहीं लगाया है, मैं सिर्फ हाइलाइटर लगाऊंगी, क्योंकि हाइलाइटर के बिना मेकअप आपका अधूरा दिखता है और मुझे हाइलाइटर वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करूँगी मैं, ताकि जो मेरा मेकअप है वो और अच्छा दिखे। और ये देखिए, मैंने हाइलाइटर लगा लिया है गाइस। और अब ये देखिए, मैंने अपनी लिक्विड लिपस्टिक के ऊपर थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं मैंने लगाया है लिप ग्लॉस, ताकि जो मेरी लिपस्टिक है वो ड्राई ना दिखे। और मैंने मेकअप फिक्सर भी लगा लिया है। सो गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज़, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। गाइज़, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और प्लीज़ गाइज़, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।